हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल्ट्रॉन और उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। तो दोस्तों, ये सभी जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटरों की ज्वाइनिंग हुई है उन्हें हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, जिसकी वजह से बहुत से विभागों में कार्य में परेशानी हो रही है, जिसके कारण सभी डाटा एंट्री ऑपरेटरों को वहां से निकाला जा रहा है और उसके स्थान पर नए डाटा एंट्री ऑपरेटरों की ज्वाइनिंग शुरू होगी। आप इस विभागीय लेटर से देख सकते हैं क्या लिखा गया है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि वीडियो से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन और बेल्ट्रॉन से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए ऑफिशियल नोटिस को देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो लेटर हमारे पास है ये जिला स्वास्थ्य समिति वैशाली का है और आप डेट भी देख सकते हैं दोस्तों, 2 जनवरी 2021। सिविल सर्जन सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति वैशाली। और विषय क्या है दोस्तों, डीएमयू अंतर्गत कार्य करने वाला डाटा एंट्री ऑपरेटर को हिंदी टाइपिंग की जानकारी नहीं होने के संबंध में। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटरों की ज्वाइनिंग हुई थी वैशाली के जिला अस्पताल में, उन्हें हिंदी की टाइपिंग की जानकारी नहीं है, क्योंकि दोस्तों जितने भी वैशाली स्वास्थ्य समिति विभाग में कार्य होते हैं वो सभी कार्य हिंदी में ही हैं, जैसे कि उनका ऑफिशियल लेटर टाइप करना और भी जितने भी सारे काम हैं वो हिंदी में ही हैं, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटरों को हिंदी टाइपिंग की जानकारी नहीं है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग वैशाली में बहुत बड़ी परेशानी होती है कार्य करने के दौरान। और यहाँ तक कि और दोस्तों, मैं आपको इस लेटर के अंदर बताऊंगा कि जितने भी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ ज्वाइनिंग हुई है स्वास्थ्य समिति वैशाली में, वो अपने निर्धारित टाइम यानी जो 5:10 से 5 का जो टाइमिंग है ऑफिस आवर, वो ऑफिस आवर में भी नहीं रहते, बल्कि वो इधर उधर चले जाते हैं, यानी कि वो अपने घर चले जाते हैं। और दोस्तों, मैं नीचे आपको बताता हूँ उपयुक्त विषयों के संबंध में कहना है कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के पत्रांक 1187 दिनांक 3/6/2020 यानी जून के महीने में जो ज्वाइनिंग की गई थी वैशाली जिला अंतर्गत डाटा मैनेजमेंट यूनिट में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पटना द्वारा करते हुए आपके इकाई पर पदस्थापित किया गया। दोस्तों, यहाँ जो जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटरों की ज्वाइनिंग हुई है वो उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हुई है। और भी देखिए दोस्तों, परंतु कई प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारियों के द्वारा यह शिकायत की गई है कि एजेंसी के द्वारा नियुक्त किए गए डाटा एंट्री ऑपरेटरों को तो हिंदी टाइपिंग की जानकारी ही नहीं है तथा वे कार्यालय काल में ही कार्यालय छोड़कर चले जाते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि उनकी जो टाइमिंग है वो उस टाइमिंग आवर में भी ऑफिस यानी कि कार्यालय छोड़कर चले जाते हैं और जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा शिकायत आ रही है कि उन्हें हिंदी टाइपिंग की जानकारी ही नहीं है। यहाँ और देखिए दोस्तों, चूँकि विभाग के सभी कार्यालयों में अधिकतर हिंदी भाषा के माध्यम से होता है, कार्य हिंदी भाषा के माध्यम से होता है एवं इस स्थिति में आपके इकाई पर नियुक्त किए गए डाटा एंट्री ऑपरेटरों को हिंदी में टाइपिंग का ज्ञान न होना एवं उनका समय से पूर्व कार्यालय छोड़कर चले जाने से कार्य में बाधा उत्पन्न होना निश्चित है। तो जैसा दोस्तों उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उन्हें जितना भी कार्य होता है वो हिंदी भाषा में ही होता है हॉस्पिटलों का। और तथा दोस्तों, यहाँ एक और चीज़ उन्होंने मेंशन किया है कि जितने भी नियुक्त किए गए डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं हिंदी भाषा टाइपिंग की जानकारी नहीं है और वो समय से पहले ही कार्यालय को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है। और देखिए दोस्तों, नीचे
अतः आप निर्देशित हैं कि उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पटना द्वारा आपके इकाई पर नियुक्त डीएमयू अंतर्गत कार्य करने वाले सभी डाटा एंट्री ऑपरेटरों को पत्र निर्गत की स्थिति में 15 दिनों के अंदर कम से कम 20 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग की दक्षता प्राप्त करने के साथ साथ कार्य दिवस पर कार्य में न्यूनतम 8 घंटे उपस्थित रहना सुनिश्चित करने का लिखित निर्देश दे, अन्यथा उनके हिंदी टाइपिंग न जानने अथवा उनके कार्यालय को समय से पूर्व छोड़ने के कारण से कार्य में उत्पन्न हो रही बाधा को देखते हुए विवश होकर एजेंसी को उनके जगह दूसरे दक्ष ऑपरेटर को नियुक्त करने के लिए लिखना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों वो बता रहे हैं कि जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली उर्मिला प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हुई थी, उन्हें एक लेटर लिखा जाए उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस की ओर से कि वो कम से कम 15 दिनों के अंदर 20 वर्ड प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग कर सके और अपनी टाइम पर उपस्थित हो। इसलिए दोस्तों अब अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें निकाल दिया जाएगा और उसके स्थान पर दूसरे डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति करा दी जाएगी। इसलिए दोस्तों आप सभी भी जितने भी हमारे भाई बंधु हैं वो कम से कम हिंदी में 20 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग करना ज़रूर सीख जाए। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि उनके विभागों के द्वारा बताया जा रहा है कि अगर वो इस दक्षता में पास नहीं होंगे तो उन्हें निकाल दिया जाएगा और उनके स्थान पर दूसरे दक्ष यानी कि जिन्हें आती हो उन लोगों को ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इसलिए दोस्तों आप सभी सुनिश्चित और सही हिंदी और इंग्लिश के टाइपिंग का ज्ञान कर ले और सीख जाए, तब आपके काम करने में आसानी होगी।